तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ MIUI 10 की ग्लोबल बीटा रोम क्लोज बीटा रोम जो मंडे को देखने को मिलती है, जिसका रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को कल ही डेडिकेट वीडियो बना दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी थी और सारी जानकारी दे दी थी कि किन किन डिवाइसेस में ये अपडेट हम लोगों को देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को फुल रिव्यू देने वाला हूँ कि इस अपडेट में क्या क्या नए चेंज हम लोगों को देखने को मिली है और क्या नए बग को इंक्लूड की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि Xiaomi अपडेट दे और हम लोगों को फीचर्स दे और बग्स ना दे। तो गाइस अगर सेटिंग में मिले जाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ अबाउट फोन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस मॉडल मेरी देखने को मिल जाती है Redmi Note 6 Pro, एंड्रॉइड वर्सन 9 देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग को बीटा में भी 9 देखने को मिलेगी और स्टेबल में भी 9 देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने Redmi Note 6 Pro को स्टेबल में अपडेट नहीं किया, जिसमें हम लोग को ऑलरेडी पाई की अपडेट देखने को मिल गई, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए ओनिटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। MIUI वर्जन गाइस आप लोगों को 9.5.6 देखने को मिल जाती है ग्लोबल बीटा, अपडेट गाइस आप लोगों को नाइटली देखने को मिल जाती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे फीचर्स बताने वाला हूं जो हम लोगों को इस अपडेट में देखने को मिली है। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को नए फीचर्स की बात बता देता हूं। तो गाइस आप लोगों को लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में देखने को मिलेगी, तो लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में गाइस जाएंगे हम लोग और यहां पर एडवांस सेटिंग में जाएंगे, तो आप लोगों को एक ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेगी लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी अपडेट हम लोगों को 9.5.1 में ही देखने को मिल गई थी, लेकिन सिर्फ चाइना में रिलीज हुई थी। अब ये ग्लोबल लोम में भी 9.5.6 में देखने को मिल गई और ये फीचर्स आप लोगों को 9.5.9 यानी पब्लिक बीटा फ्राइडे को देखने को मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पे हम लोग को तीन ऑप्शन देखने को मिलती है, हम लोग इस क्लॉक को सेट कर सकते हैं वर्टिकल में, लेफ्ट एंगल में और सेंटर में। तो पहले डिफॉल्ट हम लोग को सेंटर देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये दो ऑप्शन को यहाँ पर ऐड किया गया और न्यू इंटरफेस और न्यू UI देखने को मिल जाती है। तो मुझे वर्टिकल पसंद है, मैं वर्टिकल को सेव कर देता हूँ। इसके अलावा गाइज एक और फीचर्स हम लोग को इसी लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाती है, मैनेज फेच डाटा में जाएंगे गाइज हम लोग, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी आप लोगों को शो नोटिफिकेशन डिटेल्स आफ्टर वेरीफाइंग डाटा, यानी गाइज ट्रस्टेड फेस को ही आपकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यानी गाइज जब आप लोग नोटिफिकेशन चेक करेंगे और जब तक अपने फोन को अपने फेस से अनलॉक नहीं करेंगे, वेरीफाइड नहीं करेंगे गाइज, तो आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर कैलेंडर में जाते हैं गाइस, तो कैलेंडर में हम लोग को न्यू UI देखने को मिल जाती है लैंग्वेज सेलेक्ट करने की। तो पहले जब हम लोग कैलेंडर को ओपन करते थे, लैंग्वेज सेट करते थे, हम लोग काफी बड़ी सी पेज, भद्दी सी पेज देखने को मिलती थी, लेकिन गाइस अभी इस पेज को छोटी कर दी गई है, तो देखने में काफी अच्छी लग रही है और आप लोग यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस गैलरी को जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगी पिंच टू जूम, पिंच टू व्यू मंथ। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर मंथ व्यू देखने को मिल गई है, पिंच करेंगे हम लोग को तो नॉर्मल मोड में आ जाएगी और इसे फिर से पिंच करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मंथ व्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये गाइज नई फीचर हम लोग को इस अपडेट में देखने को मिली है, पिंच टू व्यू मंथ। इसके अलावा गाइज आप लोग को एक और फीचर देखने को मिल जाएगी इंक्रीज टेक्स्ट साइज, तो हम लोग अपने साइज फोन को इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप लोग हम लोग अपने फोन को सेट करते हैं फॉन्ट करने के बाद, तो वहीं पर हम लोग को ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगी टेक्स्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने की। तो गाइज ये तो हो गए न्यू फीचर्स की बात, अब मैं बग की बात बता लेता हूँ गाइज। तो मोस्ट अवेटेड फीचर्स को गाइज Xiaomi वालों ने रिमूव कर दिया है। तो पहले तो देख सकते गाइज यहाँ पे हम लोग को सिस्टम सेटिंग में देखने को मिल जाती थी स्क्रीन टाइम की फीचर्स, इसे उन लोगों ने हाइड कर दिया था। तो हाइड करके फिर हम लोग स्क्रीन टाइम सर्च करते थे, तो हम लोग को वो फीचर्स देखने को मिल जाती थी, लेकिन गाइज अब स्क्रीन टाइम सर्च करने पर भी वो फीचर्स देखने को नहीं मिल रही है। देख सकते गाइज यहाँ से परमानेंटली इन लोगों ने इसे रिमूव कर दिया। अब गाइज ये बीटा में रिमूव किया या फिर MIUI 11 के लिए इन लोगों ने यहाँ से रिमूव किया, इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है गाइज MIUI 11 में ये फीचर हम लोगों को गारंटी देखने को मिलेगी। तो गाइज यही कुछ नए फीचर्स और बग मुझे देखने को मिली है। बाकी गाइज बात कर लेते हैं, तो कैमरा में कोई भी नई फीचर्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं वीडियो में ले आकर आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज, तो वीडियो में आप लोगों को वही पुरानी फीचर्स देखने को मिल जाती है। कैमरा टू API के वेट कर रहे हैं गाइज, तो कैमरा टू API और 4K मैं आप लोगों को बोलूंगा, ना ही आप लोग नोट 5 प्रो के लिए वेट करें, ना ही नोट 6 प्रो के लिए वेट करें। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं इन दोनों डिवाइसेज में, तो आप लोग अपने डिवाइस को रूट करके इसे एनेबल कर सकते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में डेडिकेट वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग डेडिकेट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कैसे हम लोग 5 प्रो में AI कैमरा को एनेबल कर सकते हैं, 4K वीडियो को एनेबल कर सकते हैं इन दोनों डिवाइसेज में, और कैमरा टू API को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं।